अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज एक बच्ची का मैसेज आया है कि वो ग्रेजुएट कर रही हैं यूनिवर्सिटी से, और वो और उनके दोस्त मिलकर कोई सोशल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा है कि क्या सोशल प्रोजेक्ट वो करें। देखिए, सोशल प्रोजेक्ट ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जिससे किसी को फ़ायदा हो वो होता है। अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली एक बच्चे ने गटर के ढकने लगाना शुरू कर दिए, राइट? अब कोई कहेगा कि गटर के ढकने से क्या होता है। एक्चुअली बहुत कुछ होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, इंस्पिरेशन मिलती है, उसी वजह से हम उसकी आज बात भी कर रहे हैं, राइट? हर इंसान का अपना पैशन होता है और हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि वो किस सोशल प्रोजेक्ट को एम्फेसाइज करना चाहता है। मेरा फोकस जो है वो एम्पथी के ऊपर है कि हम क्योंकि दूसरों के जूतों में रह कर सोच नहीं पाते कि वो क्या सोचता है, इस वजह से हम उल्टे सीधे काम कर जाते हैं और ये नहीं सोचते कि उसका इम्पैक्ट दूसरे की ज़िंदगी पे क्या होगा। मैं इसलिए लोगों को जोड़ने का काम करने की कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर आप मुझसे पूछते कि मैं क्या करूँ, तो मैं आपको ये मशवरा देता कि मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हर स्टूडेंट कम से कम मेरे 1,000 लोगों को, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको अपने पास दोस्त बनाए। उनमें से 500 गैर पाकिस्तानी होने चाहिए जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हों, 100 हिंदुस्तानी होने चाहिए क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, और 400 लोग में से 100 100 बलोची, 100 पंजाबी, 100 पठान, 100 गिलगित बल्तिस्तान के होने चाहिए, जो जिनको आप नहीं जानते या आपके फेसबुक पर होने चाहिए, रैंडम लोग। मैं अपने दोस्तों को इसलिए सेलेक्ट करने को बोलता हूँ क्योंकि इनको मैंने छांक पटक के देखा है, मैं जानता हूँ ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, सेलेक्ट किया है, तो एक बाउंड्री मिल जाती है कि भी कोई ज़्यादा गड़बड़ लोग ना हो। दूसरी मेरी ये ख्वाहिश है कि यही जो आप स्टूडेंट्स हैं, आप सब डिफरेंट रेसेस से आए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, कोई सिंधी होगा, कोई पठान होगा, कोई पंजाबी होगा, आपस में दोस्त होंगे। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप कम से कम ओवरनाइट एक नहीं तो 2 रातें ज़रूर एक दूसरे के घर में जाके ठहरें, ग्रुप में चले जाएं, अगर लड़कियां हैं लड़के हैं तो लड़कों के घर में जाएं और ये जाके एक्सपीरियंस करें कि उनका घर किस तरह से नाश्ता करता है, दोपहर का खाना खाता है, रात का खाना खाता है, मिलता है। उससे आप लोगों की एम्पैथी बढ़ेगी और आप लोगों का अंदाज़ा होगा कि ये जो लोग हैं इनका बैकग्राउंड ये है, ये है, और ये एक दफ़ा से करने से नहीं होगा बल्कि मल्टीपल टाइम करने से होगा, यानी कि मल्टीपल लोगों के साथ करने से होगा। अगर मैं दिल्ली वाला हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप एक दिल्ली वाले के साथ रहेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसे लोग हैं, इनका बैकग्राउंड है, बट 4 5 के पास अगर आपने रातें गुजार ली तो आपको बेहतर आइडिया होगा। ये मेरा मशवरा है आपको कि आप सोशल काम क्या करें, अगर मुनासिब समझे तो कर लीजिए, मुनासिब ना लगे तो जो आप समझते हो अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाइए कि क्या मसाइल हैं उनमें से, चाहे वो गली की सफाई क्यों ना हो, उसको ज़रूर करें और उससे बहुत इम्पैक्ट हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम।